नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन और मैं हूं रवि शर्मा। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से लोकसभा चुनाव जो हैं वो अभी चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी अभी चुनाव जो है वो कुछ जगह होने हैं और जिस तरह से मिलिटेंट्स द्वारा कल गुल मोहम्मद मीर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो थे कश्मीर में, उनकी हत्या कर दी जाती है और ऊपर से कुछ जो कश्मीर के नेता हैं वो कहते हैं कि सीज फायर जो है रमजान के महीने में होना चाहिए। इस सब पर चर्चा करने के लिए समय हमारे साथ मौजूद हैं अरविंदर रैना जी, जो कि जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष में। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से गुल मोहम्मद मीर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, अभी चुनावों का माहौल है, सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद थी लेकिन फिर भी इस तरह की घटना घट जाती है, क्या लगता है आपको कि सुरक्षा में कोई चूक हुई है? श्रीमान गुल मोहम्मद मीर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और 1990 के दशक में जब कश्मीर घाटी के अंदर बहुत बड़ा आतंकवाद का एक दौर था, उस दौर में भी गुल मोहम्मद मीर साहब ने तिरंगा झंडा बुलंद करके रखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से, मैंडेट से चुनाव भी लड़ा और बहुत ही मजबूत, बहुत ही कद्दावर और बहुत ही वतन परस्त देशभक्त नेता थे। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में छुप के निहत्ते गुल मोहम्मद मीर साहब पर हमला किया और उनकी उस हमले में जान चली गई। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने अपनी मौत को बुलावा दिया है। एक तरफ तो कश्मीर के अंदर जहां हमारा प्रयास है अमन चैन आए, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया जाए। कश्मीरियों का कत्ल किया है पाकिस्तान ने, छोटे छोटे बच्चे, 11 साल का बच्चा आतिफ मीर बांडीपुरा के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। उसने कौन सा जाके पाकिस्तान के ऊपर बम मारे थे? खुशबू जान को शोपियान में मारा, इशरत मुनीर को पुलवामा में मारा, छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल इन पाकिस्तान के दरिंदे दहशतगर्दों ने किया है। ये बच नहीं पाएंगे। जो जुल्म इन्होंने किया है, जो गुनाह इन पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने किया है, जो खून खराबा किया है, इनको हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान की फौज, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, ये तो इनको छोड़ने वाली नहीं है। इनको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। इनके गुनाहों की सजा इनको मिलेगी और बहुत बुरी सजा इनको मिलेगी। सर, महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की अध्यक्षा हैं, वो फिर एक बार कह रही हैं कि रमजान के महीने में सीज फायर हो, क्या संभव है? आपको लगता है कि एक तरफ चुनावों का माहौल है और इस तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या कर दी जाती है, तो क्या संभव है अभी सीज फायर करना? देखिए, महबूबा मुफ्ती आग से खेलने का काम करती है। एक तरफ तो अपने साथ उसके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है, एनएसजी कमांडोज हैं, सीआरपी एसएसबी के कमांडोज उनके आगे जाते हैं, 20 गाड़ियां आगे होती हैं, 20 पीछे होती हैं, तो महबूबा मुफ्ती जाके रैली करती है। मैं कहता हूं ना, उनको ज्यादा हमदर्दी है अगर दहशतगर्दों से तो बिना प्रोटेक्शन के जाके रैली करें ना, बिना फोर्सेस सीआरपी एसएसबी आर्मी एनएसजी कमांडो के बिना जाके महबूबा मुफ्ती वहां रैली करके दिखाए ना। एक तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए हिंदुस्तान के, हमारे जवानों की, और दूसरा उसके दिल में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है। बहुत गलत है, आग से खेलने का काम कर रही है महबूबा मुफ्ती। ये आग से खेलने का खेल बुरा होता है, जो आग से खेलता है आग उसको ही जलाकर राख कर देती है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने दरिंदगी की है, छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल किया है, स्कूल जाती बच्चियों का कत्ल किया है। इन्होंने कितना जुल्म किया है, मैं कहता हूं इनको ऊपर वाला कभी माफ नहीं कर सकता है, इन दहशतगर्दों को, इन पाकिस्तान वालों को, और इन पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी रखने वालों को भी कोई माफ नहीं करने वाला। इसलिए महबूबा मुफ्ती को ये अनाप शनाप और उल्टे सीधे काम बंद कर देना चाहिए। उसको लोगों की हिफाजत के लिए काम करना चाहिए, अमन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इश्तियाल अंगेजी नहीं करनी चाहिए, हालात ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, अमन चैन से लोग रहें, हालात बिगाड़ने की साजिश नहीं करना चाहिए। सर, कश्मीर की बात करें तो इस बार बहुत सी रैलियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और वहां के स्थानीय लोग भी निकलकर काफ़ी सामने आए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी वहां से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह की हत्या बीच में कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेता की, तो क्या लगता है आपको कि लोगों में कोई डर का माहौल वहां पर पैदा होगा या लोग खुलकर फिर से एक बार, जिस तरह से पिछली बार मतदान में थोड़ी सी कमी आई थी, लोग बाहर नहीं निकले थे और लोग जो हैं वो परहेज करेंगे मतदान करने से? देखिए, कश्मीर के अंदर इस बार चाहे नॉर्थ कश्मीर की बारामूला सीट हो, श्रीनगर की सीट हो, या पहले मरहले में हमने देखा अनंतनाग और जो कुलगाम के एरिए में इलेक्शन हुआ, लोग निकले घरों से, पाकिस्तान वालों ने, दहशतगर्दों ने धमकियां दी, हालांकि कुछ कुछ जगह पर कम वोटिंग हुई लेकिन फिर भी लोग निकले।
हमने पंचायतों के इलेक्शन में देखा 70% लोगों ने पोल डाले, शहरी चुनावों में गांव-गांव के शहर शहर के अंदर कमेटियां हैं। तो एक चेंज कश्मीर के अंदर देखी जा रही है। आज पंचायतों के सरपंच पंचीज अपना काम कर रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटीज अपना काम कर रही हैं, कल लोकसभा के चुनाव होंगे तो मेंबर पार्लियामेंट चुन के आएंगे। तो ये पाकिस्तान के दहशतगर्द जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं। अभी सर लेह लद्दाख से आए हैं, तो अभी वहां पर चुनाव जो है वो होना है, किस तरह की लहर वहां पर है लोगों में और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहां किस तरह का रहने वाला है? देखिए, हमने पूरी कोशिश की है, प्रयास किया है कि हर जगह हमारी पॉलिटिकल रैलीज हुई हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जी, किरण रिजिजू, MOS होम और मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बड़े बड़े लीडर्स ने वहाँ आके कैंपेनिंग की, रैलियाँ की, और हमको लगता है कि हम भारी मतों से लद्दाख की सीट हम जीतेंगे। और कांग्रेस का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ NC और PDP तो अपने कैंडिडेट तक नहीं खड़ा कर पाई, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लोग समझते हैं कि हमारी डेवलपमेंट कौन कर सकता है, लोग समझते हैं अच्छा नेता कौन है, देश को कौन चला सकता है, और हमें पूरा यकीन है कि अच्छे रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। मेरा आखिरी सवाल कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि मैंने माफ़ी जो है चौकीदार है चोर पर सुप्रीम कोर्ट से मांगी है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं मांगी है, और चौकीदार अभी भी वो कह रहे हैं कि चोर है, इस पर क्या कहें? सारा देश जानता है कि राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिटर्न में माफ़ी मांगी थी राहुल गांधी ने, कि मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में, मोदी साहब के बारे में जो वर्ड कहे थे वो गलत कहे थे, अपशब्द हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके माफ़ी मांगते हैं, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये सारी दुनिया देख रही है, दुनिया इनका हाल जानती है, इनका बहुत बुरा हाल है और इनका आगे और बुरा हाल। 23 मई को ही पता चलेगा। जी शुक्रिया सर, हमसे बात करें। जी हाँ, ये थे हमारे साथ रविंदर रैना, जो इस समय हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। और जिस तरह से श्रीनगर की अगर हम बात करें तो गुल मोहम्मद मीर की हत्या जो थी वो कर दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे आतंकवादियों द्वारा उनकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। और रविंदर रैना का भी यही कहना है कि इस समय हालात साजगार नहीं, और जो वो लोग जो पाकिस्तान और मिलिटेंट्स के हमदर्द हैं वो इस तरह की बातें जो हैं वो करते हैं। रवि शर्मा, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, जम्मू।